यार सब्सक्राइब करो ना द ब्लॉक कोड को। नमस्कार दोस्तों, यह है राकेश झुनझुनवाला जिन्होंने अकासा एयरलाइंस को शुरुआत की। जी हाँ, और सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है उड़ान की। तो दोस्तों, भारत के मिलेनियर माने जाते हैं राकेश झुनझुनवाला, जो काफ़ी सरल इंसान के व्यक्ति हैं, और उन्होंने अपना अकासा एयरलाइंस शुरुआत करने की पहल रखी है और सरकार ने इसकी मंजूरी दे भी दी है। अगले साल के मिड तक उड़ान भर सकेगी और आम आदमी इसमें सफ़र कर सकेगा। आपको ये भी बता दें, अकासा एयरलाइंस के मालिक जो राकेश झुनझुनवाला है, उन्होंने ये भी बताया कि ये काफ़ी लाभदायक और अफोर्डेबल दाम में आपको अकासा एयरलाइंस की सफ़र मिलेगी। तो दोस्तों, जैसी शुरुआत हो तो ज़रूर इसमें एक बार बैठें और ट्राई करके देखें, क्या आपको लगता है ये आरामदायक है या नहीं, सफल है, अफोर्डेबल है कि नहीं। तो दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि अकासा एयरलाइंस के अब नए सीईओ चुने गए हैं विनय दुबे, जो एक्स स्पाइस जेट के थे और अब वो अकासा एयरलाइंस के सीईओ बन गए हैं। और भारत के बिलेनियर राकेश झुनझुनवाला, जो उनको पूरी दुनिया जानती है, जिनकी एक दिन की कमाई लगभग 900 करोड़ रुपए लगभग है पर डे। और यही बता दें आपको, अकासा एयरलाइंस की जो सर्विस है वो अगले साल के मिड तक शुरुआत हो जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलकर उन्होंने मीटिंग की और इस सरकार ने राज़ी कर दिया है अकासा एयरलाइंस की चालू होने की। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।